लॉयन दिख रहा है जो कि अभी सो रहा है। हमने लॉयन के साथ सेल्फी तक नहीं लिया, क्यों नहीं चले गए लेने के लिए। वेलकम टू गुरु गोविंद ब्लॉग चैनल। आज हम आए हैं लॉयन सफारी। वो देखिए, वो हमारे पीछे है, वो मेन गेट, और हम चलते हैं, आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम अंदर जाने के बाद में आपको लाइव लॉयन का दर्शन कराने वाले हैं, यानी कि आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं लॉयन सफारी हमारे सिलवासा में। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो गाइज, ये है यहाँ का मेन गेट, यहाँ से हमको अंदर जाना है, और अंदर जाने के बाद देखते हैं क्या नजारा है। कहाँ पे है? वासोना में है। वासोना मंडे क्लोज रहता है, देखो लाइन लाइन मंडे क्लोज रहता है इधर। मंडे तो कभी भी किसी को आना होगा तो मंडे को नहीं आना, क्योंकि मंडे को क्लोज रहता है। अगर आप इस लोकल एरिया में रहते हो तो आपको तो पता ही होगा, है ना। चलो अंदर चलते हैं। तो गाइस, हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं लॉयन सफारी में लॉयन मिलने वाले हैं। अंदर तो पूरा खाली है, पब्लिक कोई दिख नहीं रही है। देखिए, 2-4 लोग ही दिख रहे हैं बस। और गुरु की मम्मी कह रही है कि लॉयन सफारी का ये बड़ा सा बोर्ड है, गेट है मेन, वो सामने दिख रहा है, वो है टिकट काउंटर। यहाँ पे एक ऐसा पेड़ है जो एकदम खोखला है। खोखला, उसको खोखला पेड़ बोलते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है सब। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, हम उसके अंदर एंट्री करके आपको दिखाने वाले हैं। एंट्री करके दिखाने वाले हैं, अंदर जा सकते हैं। अंदर हम उसके अंदर घुस के देखने वाले। अच्छा, और ये देखिए, ये क्या है, ये पता है क्या है? ये फोर्स का एक व्हीकल है, पब्लिक व्हीकल, ट्रेवलर है ना वो, अंदर जाने के लिए। अगर हम चाहें तो इसके अंदर बैठ करके और पूरा अंदर का जंगल घूम कर तो पूछते हैं ना, टिकट लेते हैं, पूछते हैं, फिर चलते हैं। टिकट लेने के बाद में हम इसके अंदर बैठ करके अंदर जाने वाले हैं। अगर पब्लिक नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। और वहाँ पे है टिकट काउंटर, देखिए। ये किस चीज का है ये गेट? लाइन से मिलने जाने का रास्ता, ये पूरा इधर से लेके जाएंगे ये लोग, यहाँ से एंट्रेंस। तो आइए अब हम देखते हैं वो वाला पेड़ जो बहुत ही लंबा है, और इसके अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं। जा तो रहे हैं, पब्लिक देख तो रही है, उसमें अंदर घुस तो रही है। गाइस, बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत ही शांत है, देखिए। हमारे ये शांति है। हाँ, ये देखिए, ये है, ये बहुत ही बड़ा पेड़ है, इसकी हाइट 100 फीट होगी। गाइस, इसकी हाइट 100 फीट होगी। किस चीज की पेड़ है ये? मुझे लगता है ये आंबा का पेड़ है। नहीं नहीं, इसके लिखा हुआ है आंबा का पेड़ है ना। कदम का पेड़ है, कदम। गाइस, ये कदम, इसमें घुस के देखना को भी। हट दरो, ऊपर देखो, ऊपर। ओ भाई साहब, क्या हुआ, कैसा दिख रहा है? हटो, मैं देखूं। हटो नहीं, अरे गोविंद कभी अंदर फंस ना जाए। ओ माय गॉड गाइस, गुरु की मम्मी, गोविंद की मम्मी और गोविंद दोनों अंदर फंस गए, अब क्या करें? गाइस, आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, एक लाइक तो कर दो यार, मम्मी पापा के हमारे इस वीडियो को लाइक करो। हाँ जाओ। गाइस, ये देखिए, ये पेड़ इतना बड़ा है कि इसके अंदर गुरु की मम्मी आसानी से एंटर हो चुकी है। फंस गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सही में फंस गई गुरु की मम्मी, लगता है फंस गई थी अंदर। वो आना ही नहीं चाहता, बोल रहा है ना, एक मिनट रुको, नहीं गोविंद लगता है। ओ माय गॉड, गोविंद तो पेड़ के अंदर फंस गया। गाइस, ये देखिए, गोविंद चिल्लाओ, हेलो, कोई मुझे बचाओ। गाइस, कोई हेल्प मी, क्या बराबर डील डबल टू बिल डबल डबल क्या बराबर डील डबल टू बिल डबल डबल। ओ माय गॉड, फंस गया मैं, बोलना इसका। तो जैसा भी मिले हमारे नए मेहमान से, ये हमारे कैमरामैन है। नहीं, ये हमारे कैमरामैन है जो स्पेशल दिल्ली से आए हैं। मैं इनकी कैमरामैन बहन हूँ। ये स्पेशल दिल्ली से आए हैं। हेलो मिस्टर आशुतोष गोवारीकर, ये फिल्म मेकर आशुतोष गोवारीकर हैं। ये स्पेशल कैमरामैन है, ये बहुत अच्छा शूट करते हैं। ये है हमारे गुरु और गोविंद की सैलरी, मामा श्री पर मंथ की सैलरी 1 लाख है, 1 लाख स्टार्टिंग। हाँ, कहीं भी इतना बड़ा बिजनेस छोड़ करके आए हैं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो कैसा लग रहा है आपको सिलवासा में आकर के? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइस देखिए, ये है वो बस जिसमें पब्लिक घूम करके आ रही है। आप टिकट लेकर के अंदर जा सकते हैं और एंट्री करके पूरा जंगल घूम सकते हैं। देखिए, ये पब्लिक आ रही है, जो टिकट लेकर गए थे वो सब लोग यहाँ पर आकर के घूम रहे हैं, और इन दोनों बसेस में बहुत बड़ा एरिया है। हम सोच रहे कि हम भी चलें,
काउंटर ये लोग जा रहे हैं कि आ रहे हैं आ रहे हैं तो फिर चलो पहले टिकट लेते हैं हमें ये देखिए ये पूरा एरिया है और बहुत बड़ा है और ये गेट जो है पर पर्सन का कितना लेते हैं चार्ज कितना लंबा ठीक है अब हम चलते हैं टिकट काउंटर के ऊपर इधर चलो आ जा किधर गया ये अरे चल ना जगह जगह तू रह कैमरा में दिखते हैं मैं दिखाऊंगी अपनी तू विष्ट वाले का दिखाऊंगी कैमरा में नहीं तू विष्ट में दिखते नहीं क्या चलो मस्ती करते हुए शूट करते रहते हैं कैमरा मैन है उसको थोड़ी शर्म आ रही है एक्चुअली में क्या है शर्मीले हैं खाली शूट करना जानते हैं चलो इस पर रखो पैर गोविंद अपने लेस बार बार क्यों खुल जाते हैं आपके लेस इनको गन्ने जूस पियेंगे तो लेस सही से रहेगा अच्छा अब नहीं खुलेगा इधर ला ऊपर रख ना तो गाइस ये है टिकट काउंटर देखिए कितना अच्छा फ्लाई के ऊपर लिखा हुआ है और ये दिखाते हैं एंट्री फीस कितनी है बच्चों के लिए 10 रुपए एडल्ट के लिए 25 और विजिटर्स के लिए 100 अगर आपको मूवी के लिए अगर इसके अंदर सीन शूट करना है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देना पड़ेगा तो बहुत ही अच्छा है इसका देखो तो गाइस आप हम लेते हैं टिकट यहाँ से भाई ऑनलाइन छे ना तुम्हारे पास लाओ कितना जन 5 जन छे दो बच्चे हैं बे छोकरा छे अने तौर मोटा एडल्ट हेलो गाइस यदि आप हमारे ब्लॉग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि जब तक टिकट लेकर के पप्पा जी नहीं आते तब तक हमें यहीं पे बैठना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा टिकट लेने के बाद हम बस में बैठेंगे और बस में बैठने के बाद हम जाएंगे लायन को देखने के लिए और देखेंगे कि कितने सारे लायन है तो गाइस अब हम जा रहे हैं बस के अंदर ये देखिए ये है बस और सब लोग मिल करके जा रहे हैं और अंदर जाकर हम आपको दिखा रहे हैं बताओ बड़े क्या अच्छा कितना अच्छा खबर में हाल हाल में अभी गाइस बस अभी चल पड़ी है यहाँ से दरवाज़ा खुलने वाला है ये देखिए 2-3 गेट लगे हुए हैं सारे गेट खुलेंगे और हम अंदर एंट्री करेंगे जंगल के अंदर यही एक रास्ता है अंदर जाने के लिए ठीक है बस में बहुत ही सेफ्टी है सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज़ देखने वाली हैं आप और वो है लायन देखिए जंगल के अंदर कैसा दृश्य दिख रहा है आपको एकदम सब कुछ हरा भरा दिख रहा है सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देखना चाहती हैं और वो है लायन कहें कि लायन कहीं तो दिख जाए लेकिन एक मिनट गाइस यहाँ पे एक लायन दिख रहा है जो कि अभी सो रहा है हमारा दुर्भाग्य ये है कि बस से नीचे नहीं उतर सकते क्योंकि ये लोग मना करते हैं बस से नीचे उतरने के लिए आप बस के अंदर से ही इन लायंस को देख सकते हैं शूट कर सकते हैं और क्लिप ले सकते हैं लेकिन ये लायन जो सोया हुआ है इतनी दूर है कि हम इसकी क्लियर पिक्चर नहीं ले सकते ये बहुत ही दुर्भाग्य है इससे ज़्यादा हम आपको दिखा नहीं सकते फिलहाल तो अभी हमें एक ही लायन दिखा जो कि सो रहा है आपको दिख रहा होगा कि नहीं हमें नहीं पता एक लाइन देखने के बाद हम चल पड़े हैं आगे क्योंकि बस चल पड़ी है और अभी देखते हैं कुछ लाइन और दिखते हैं या नहीं दिखते और क्या क्या दिखता है अंदर हमें तो पता नहीं हम पहली बार आए हैं यहाँ पे और आपको दिखाना चाहते हैं जो सिलवासा में लॉन सफारी है ये देखिए शायद यहाँ पे एक और लाइन दिख रहा है बस रुक चुकी है इसका मतलब एक और है कैमरा जूम करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये लायन है वो भी इसमें सो रहा है आराम कर रहा है गाइस हमारा बैड लक है कि हम ऐसे टाइम पर आए हैं जो मस्त होकर के सो रहे होते इस वक्त अगर किसी और टाइम पर हम आए होते तो शायद ये बाहर निकल करके घूम रहे होते और हम इनकी अच्छी पिक्चर और क्लिप ये देखिए ये भी लायन है दिख रहा है ऐसा दिख रहा है हाँ ये रहा दिख रहा है 5 मिनट के अंदर हमें 2 लायन और 2 लायनेस यानी कि 2 शेर शेरनी का जोड़ा दिखा दिया गाइस अभी तो हमने नजदीक से कुछ देखा ही नहीं और अभी ये कह रहे हैं कि चलो हो गया टोटल मनी वेस्ट 5 मिनट में सभी को बेवकूफ बना दिया गया जितने भी लोग इस बस के अंदर बैठे थे 5 मिनट के इस राउंड में कोई भी खुश नहीं हुआ क्योंकि 5 मिनट में इंसान क्या क्या देखेगा
इस लाइन सफारी का यही रूल है, कोई क्या कर सकता है। मजा आया ना, हम घूम करके चले आ रहे, 5 मिनट में घुमा दिया और लेके चल उतार दिया 5 मिनट में। हमने लाइन पता चला कि सब सो रहे हैं, इस समय 3:30 बजे हम आए थे, हमें पता भी नहीं था सब सो रहे हैं। हमने लाइन के साथ सेल्फी तक नहीं लिया, क्यों नहीं चले गए लेने के लिए? सेल्फी लेने गया होता तो फिर लाइन कहता कि आ जाओ हमारे पास, हमेशा के लिए सेल्फी ले लो। इस टाइम ही आना चाहिए था हमें, इतने गंदे टाइम में हम आए और सब सोए हुए बेचारे। हमारा बैड लक था क्योंकि आज हमने लॉयन तो देखा। चलो फिर इधर एरिया घूम लेते हैं और क्या कर सकते हैं। तो गाइस इतना बैड एक्सपीरियंस आज तक नहीं हुआ था हमारे साथ। इस सदमे को बुलाने के लिए हम आ गए बच्चों के साथ गार्डन में। लॉयन सफारी में आकर के बच्चों को भी मजा नहीं आया, बच्चों ने झूला खेल करके अपना सैडनेस दूर किया और हम दोनों ने गप्पे मारकर अपना सैडनेस दूर किया। गुरु गोविंद की मम्मी और मुझ में हो गई तूतू मैमे में। तूतू मैमे की वजह है 5 मिनट का लॉयन टूर। गुरु गोविंद की माँ को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस में बैठे तमाम लोगों के साथ वही हुआ जो हमारे साथ हुआ। बस में बैठा हुआ कोई भी इंसान बस से बाहर उतर करके जंगल घूमने गया क्या? नहीं। तो फिर बात ही खत्म। नोक झोंक खत्म होने के बाद में हमने बच्चों की तरह थोड़ा झूला झूला। गुरु गोविंद की माँ को खुश करने के लिए हमने एक रील बनाया अच्छा सा प्यारा सा और थोड़ा कुछ वीडियो शूट किया जिससे गुरु की माँ बहुत खुश हो गई। थोड़ी देर बाद हम सब लोग बाहर आ गए और बाहर आकर के एक जगह पे हम बैठ गए और बैठने के साथ इन दोनों भाई बहन ने एक दूसरे की तारीफ के पुल बांधने स्टार्ट कर दिए जिससे मुझे सहन नहीं हुआ और जो मुझे देखा नहीं गया। फिर मैंने एक ऐसी बात कही जो आप लोगों के सामने मैं अभी बता नहीं सकता। उस बात को सुन करके गुरु के मामा को इतनी हंसी आई कि वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। और फिर आज का ब्लॉग हमने कर दिया यहीं पे दी एंड। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस ब्लॉग चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड टाटा।